वाओ, हुनुसी बाबा का मामला अपसेट हो गया है कोरे, तो चलो अब शो स्टार्ट करते हैं। आज ब्रेक में मैं पूरी बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी काट दूंगी। इतना बड़ा प्लाजा पुराने जमाने में चला जाएगा कोरे। तुम अपना टाइम सेंड करो, फोन चोरी करना तुम्हारा काम है। लड़की, कौन सा टेलीफोन? हाय, उमर और उस लड़की का फोन और किसका? मुझे देखो, अब तुम मुझे देखो। मैं इमारत में जैमर रखना चाहती थी लेकिन नहीं हो सका, तो अब क्या कर सकते हैं? रिवायती रास्ते ही इख्तियार करने होंगे हमें। चलो कोरेश, आज तुम्हारी बारी है। कोरे ऑन द स्टेज। बॉम्ब फट गया। अल्लाह, ए लड़की, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ? मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। यार दिमाग खराब मत करें, बताएं कि क्या हुआ है। पूछो मत, क्या हुआ? यार पागल कर रहे हैं मुझे, क्या खेल खेल रहे हैं? निकलिए यहाँ से, चले निकल जाएं। हाँ मैं एकदम से भूल जाता हूँ ना। हाँ वो, हाँ लड़की, ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है बताना मुझे। कहाँ, कौन, कौन, कौन? हाय अल्लाह, कोई भी तो नहीं है यार, वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा है। बताएं कि क्या काम है आपको मुझसे, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? अरे जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया बस। कितना महंगा मोबाइल रखा है, पता है कितनी स्नैचिंग हो रही है आजकल, चोर मोबाइल लेकर भाग जाते हैं। यार पागल कर रहे हैं मुझे, क्या खेल खेल रहे हैं, निकलिए यहाँ से, चले। हाय, हाँ उमर का सर टकरा गया। हाँ मत पूछो, बहुत बुरा हाल है उसका, 24 घंटे सोता रहता है। हाय, मुझे जाके उसे देखना होगा, हटे यहाँ से। अरे रुको, हर वक्त भागने पे तुली रहती हो तुम। नरमीन उसके साथ है, उसकी खबर का वेट करो। और एक बात याद रखना, उमर को कुछ मत बताना प्लीज कि मैंने बताया है। क्या मतलब कि मैं ना बताऊं? लड़की समझा करो, देखो उमर को अगर तुमने बताया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। हमारे यहाँ का रिवाज है, अगर सबको बताओ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इंतजार करो बस। हाय अल्लाह, मेरी जान, कितनी तकलीफ में होगा। हाय, तुम दोनों पे तरस आ रहा है बहुत ज्यादा। आप रोना तो शुरू नहीं करने वाले है ना? कोरे सर, यहाँ मत रोइए, क्या कर रहे हैं यार? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे समझ में नहीं आता। क्या समझ रहे हैं आप, क्यों इतना रो रहे हैं, हटिए यहाँ से। अच्छा अच्छा हट रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है तुम जैसी लड़की के मुंह लगने का, सूखी लड़की। एक मिनट सुनो तो, कोरे सर मुझे ऐसे डिप्रेशन में डालकर आप नहीं जा सकते हैं, बहुत अफसोस है आप पर। नरमीन मैडम भी पता नहीं कब कॉल करेंगी। उमर फोन दो। क्यों, क्या बात है, मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मुझे अपना फोन दो देखने के लिए बस। उमर, ये फिर आ गया। अच्छा लगा आपसे मिलके। उमर, लास्ट रिपोर्ट्स की डेटाबेस की एंट्री में तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है, उसके लिए तुम्हारा आना लाजमी है, चलो मेरे साथ। वो फोन क्या कर रहे हो कोरे? हाँ मैं कुछ काम कर रहा था। अरे तुम छोड़ो ना इन बातों को, तुम जाओ। ये क्या कर रहे हो, उसका फोन क्यों छुपा रहे हो तुम? मैं छुपा थोड़ी रहा हूँ, शर्मिंदा तो मत करो। सिनान तुम क्या कह रहे थे? यार उमर, वो दारिया कह रही थी कि अप्रूवल के लिए ये मेरी अकल ले गया, मैं भूल गया हूँ क्या कहना था। चिल्लाओ मत, डर लगता है मुझे, इसीलिए मैं इससे बात नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। कर देते हैं अप्रूव भाई। चलो मेरे साथ, पहले सिग्नेचर तो कर दो, जल्दी चलो देर हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है। हाय उमर, कितनी अच्छी लाइट लग रही है ना, यहाँ पे आकर मैं सेल्फीज लूंगा अच्छी सी।
ठीक है कोरे, कर लेना जो चाहते हो, ठीक है? उमर जल्दी चलो, चलो यार जल्दी करो। सेल्फ दफा हो जाओ, तो दफा हो, दफा हो। नमूना से इंसान अजीब सी बातें करता है। हाय हाय, मुझ बेचारे के साथ ही ऐसा होता है। हाँ यहाँ पड़ा है, उमर छोड़ गया। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मेरा तो काम बन गया आज। मिशन पूरा हो गया, बस इतनी सी काम। अब क्या करोगी लड़की? अलग अलग जाएंगे। किस तरफ जाना है मुझे? उमर सर जा सकते हो? ठीक है। सिनान के कमरे में बुलवाओगे? सिनान चला गया है, रोमांटिक सेटिंग कर दी गई है, कैंडल्स, म्यूजिक, बस उमर का आना बाकी है। ये बताओ, तुम्हारी दोस्ती अब मुझसे खत्म हो गई? मुझे बात नहीं करनी। यास्मीन के साथ अभी काम खत्म किया है, अब ये फाइनेंस ईमेल उसको भेजूंगा, उसका फोन खराब हो चुका है। गिर गया, तबाह हो गया। नहीं, थोड़ा मसला करा है, ईमेल नहीं जा रही है वहाँ से। तुम्हें क्या लगा? हाय बहुत बुरा लगा, ये टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तुम्हारे हाथ में हर चीज खराब हो जाती है, पता नहीं कैसे यूज करते हो। मुझे लग रहा है तुम जरूर कोई गेम खेल रहे हो, मुझे बाथरूम जाना है, मैं आके तुमसे बात करूं। हाँ हाँ जाओ। हाय अब क्या करूं, मैं फंस गया हूँ। ये महारानी देर तक काम करती है और वो भी ऑफिस में है। मैं उसको कॉल करके कहती कि सिनान रूम में वेट कर रहा है। अच्छा नरवीन मैडम, आ रही हूँ मैं। उमर जान, तुम 5 मिनट के लिए कमरे में आओगे, मुझे एक जरूरी काम है। कोरे मुझे बहुत काम है, अभी तंग मत करो मुझे। मेरी जान बहुत जरूरी काम है, एक तो मैं तुम्हारे काम के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे आकर, और तुम मना कर रहे हो यहाँ आने से। तुम इस वक्त कर क्या रहे हो? हाँ है, क्या कर रहा था। हाँ मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रहा हूँ कि फोन पे बताने वाली बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें फेस टू फेस मिल के बताना चाहता हूँ। तुम जल्दी आओ ना, हर वक्त तुम लेट करते हो। नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि तुम ड्रामे करोगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। कोरे क्या इंसान हो तुम। सुखी लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? हाय, सिनान सर के कमरे में नरवीन मैडम ने बुलाया है। उमर कैसा है? हाँ लड़की, नेहरू तो अपने कमरे में है, वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। चलो जाओ, बाद में बात करना। अच्छा ठीक है, उधर जाकर बात करते हैं। लेकिन उमर कैसा है? हाँ हाय, तुम अकेली चली जाओ ना। और आप? अरे मेरा क्या काम, हर वक्त मेरे ही पीछे पड़े रहती हो तुम, उमर उमर पूछती रहती हो, जाकर मिल लो ना खुद। कोरे सर, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं यार आप। नहीं आना तो नहीं आए, मैं चली जाऊंगी, जरूरत नहीं है मुझे आपकी। हाय अच्छा चलो मेरे साथ टॉयलेट चलो, मुझे अकेले डर लगता है। तुम होगी ना तो थोड़ा सा, तो जल्दी से चलो ना। आए क्या आग लगी आपके अंदर, मुझे ये बता दे, एक दूंगी ना कोरे सर। हाय भयानक लड़की, जाओ। हाय मेरी तो टांगे कांपने लगी थी, मेरा तो बीपी लो हो गया।
बस ये एक बार अंदर चली जाए फिर मैं पीछे से लॉक कर दूंगा। उमर, नरमीन मैडम नहीं है क्या? चाची? हाँ, उन्हें यहाँ ही होना था। कोरेश? है, डरा देती हो तुम, कैसी लड़की हो? सिनान से मिलना था। हाँ, हाय, सिनान वो चलो 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 जाओ 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 यहाँ से अभी फिलहाल जाओ। कोरेश छोड़ो मेरा हाथ, क्या हो गया है? हाय, बढ़िया ही सिनान से मिलने, अभी ही मिलना था इसे। क्या क्या परेशानियां आ जाती हैं सर पे। हाय हाय, मेरा बीपी लो रहा है। हाय, मेरा बीपी गिरता जा रहा है। हाय ओ हाय, मैं चीख क्यों रहा हूँ? मुझे तो खामोश रहना है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या हो गया मुझे? या अल्लाह मुझे बचा। हाय क्या मतलब, क्या चल रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? हटो जरा, ये तो लॉक हो गया। हाय, ये किसने लॉक कर दिया? वाह वाह, फोन तो टॉयलेट में भूल गया मैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्या करूं, काम करने लगा था लेकिन। हाँ अच्छा है, काम करना सबसे अच्छा इलाज है। अच्छा, तुमने क्या किया? तुम्हारा उसके साथ रिलेशन ठीक हो गया? मतलब इस्माइल से बात हुई? अभी नहीं बता सकती, अभी मैं बहुत उलझी हुई हूँ, बताऊंगी फिर। कुछ पिए, क्या कहते हो? यहाँ पीना है। क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, किसी ने लॉक कर दिया है। क्या मतलब? मतलब के बाहर से लॉक कर दिया है। ऐसा किसने और क्यों किया है? मुझे क्या पता। कोरे, मुझे बहुत जरूरी काम है, दरवाजा खोलो। कोरे सर ने लॉक किया है क्या? कोरे, कोरे सर, कोरे सर, कोरे सर, दरवाजा खोलने को शर्म हया है कि नहीं आपके अंदर? खोले दरवाजा, अजीब आदमी आप। कोरे खोलो। कोरे सर, कोरे, खोलो, कोई है? हमें किसी ने लॉक कर दिया है, दरवाजा खोलो। अच्छा रुको, मैं गार्ड को कहती हूँ, मेरा फोन तो नीचे रह गया। क्या बात कर रही हो, मैं भी टॉयलेट में भूल चुका हूँ। ऑफिस टेलीफोन भी तो है, इससे करो। हाँ ये अच्छा आइडिया तुम्हारा। किसी ने कनेक्शन काट दिया है। चलो भाई। वाह भाई वाह, ये तो और ज्यादा अच्छा हो। यकीन नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? यकीन नहीं हो रहा। एक बात कहूँ, लगता है हमारा आखिरी वक्त आ गया है। हाँ चलो, अच्छा है इन कैंडल से कोई माहौल तो बन गया है, क्या करें अब, जलाओ इसको। ठीक है जलाता हूँ। ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, हर चीज अपनी ठीक हो गई। वो जो सिक्योरिटी पे लड़की थी ना, जो तुमने देखी थी, उसने सारे के सारे कमरे लॉक कर दिए थे,
और हाँ, सेनान का कमरा भी एहतियातन लॉक कर दिया था। क्यों? ये क्यों किया? क्यों किया लड़की? मेरी जान, काम अच्छे से करना हमारी मजबूरी थी। तुम्हें तो पता है कंपनी में हर कोई इधर उधर घूमता रहता है। अरे कोरे, क्या मतलब है इस बात का? है, अब छोड़ो ना उस बात को। हमें डेफनी और उमर को कैद करना था और फोन भी काम नहीं कर रहे। और सारी ऑटोमेशन भी काट दी है मैंने। हाय कोरे, बस बस आ जाएगा। अरे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। कोरे, मैं राइट हैंडेड हूँ और तुम लेफ्ट, और अच्छा, इस तरह से हम हाई फाइव देंगे। है, नहीं हो रहा। कोरे चलो किस करते हैं। लड़की, वैसे ये एक तरह से घर वाला माहौल बन गया है। मैं तो सोच रहा हूँ अपने कमरे से कुछ उठा कर ही लिया था, बड़ा मजा आ रहा है। नेहरो, 16वीं मंजिल पे चलें क्या? हाय कोरे, हम क्या को पैमा है बोलो, बिना लिफ्ट के, और वो भी 16 मंजिल। मेरी जान, मुझे ऊपर चलना अच्छा लगता है। उफ, दरवाजा खोलेगा क्या कोई? हे, हमें यहाँ बंद करके चले गए कोरे सर। डेफनी चिल्लाओ मत, अब हम यहाँ फंस कर रह गए। क्या मतलब यहाँ रह गए? यहाँ नहीं रह सकते यार, नहीं रह सकते यहाँ। और तुम ऐसे लेट गए हो जैसे घर है, उठो। वो क्यों? क्या मतलब, अब सोना है क्या यहाँ पर यार? क्या मूड बना के बैठे हो? ठीक है, नहीं सो रहा। कोई अट्रैक्टिव प्लान है? क्या मतलब अट्रैक्टिव? पता नहीं, मेरा मतलब है कुछ और कर लेते हैं। कर लेते हैं? नहीं, वो नहीं। लेकिन यार वो नहीं, लेकिन तुम सो मत, ये कह रही। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? हम यहाँ अंदर रह गए हैं जैसे कोई मजाक हो। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले दरवाजा बंद हुआ और अब बिजली बंद कर दी गई। सिनान, कोई तो आइडिया सोचो, हम सुबह तक यहाँ नहीं रह सकते। हाँ मुझे भी पता है, सुबह तक नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। अब ये क्या हो रहा है? पक्की बात है तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? क्या, मुझे कैसे पता होगा यास्मीन? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए थी। कैंडल्स, म्यूजिक, और तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ? सच में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये कमरा तुम्हारा है। लेकिन मैंने ये नहीं किया, और मैं क्यों करूँगा ऐसा कुछ? हाँ ठीक है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो, लेकिन। लेकिन क्या? मैंने नहीं किया, कसम से मेरा यकीन करो, करता तो बता देता। अरे नहीं किया, देखो गुस्से में तुम हंस रही हो, ऐसा मत करो। मैंने नहीं किया कुछ। रुको मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ जरा। क्या करूँ यार मैं, क्या करूँ, क्या रखा है ये, क्या रखा है, इसे खोल के तो देखूँ। अनानास पड़ा है यार यहाँ तो, क्या फायदा इसका दराज में रखने का। चॉकलेट है, टूल सेट भी पड़ा है यहाँ, चाय के कप देखो तो जरा, चाय कॉफी रखी है यार। उफ, ये सब क्या है यार, पागल। देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ भी चेक कर लूँ अब मैं। पाँव बचाओ जरा अपना। फिर चॉकलेट, फिर चॉकलेट। प्लेइंग कार्ड्स रखे हैं। क्या कर रहे हो यार, फिर से सोना शुरू कर दिया? तो फिर बताओ मुझे डेफनी, मैं क्या करूँ? देखो तो जरा, कार्ड्स मिले हैं, कार्ड्स खेलते हैं ना। क्या वो खेलते हैं ना, कितना मजा आता है। खेलना आता है क्या तुम्हें, बताओ ना। अच्छा देखो, वैसे मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि मैं इस गेम में बहुत ही अच्छी हूँ, जबरदस्त प्लेयर। ठीक है, समझाओगी तो मैं समझ जाऊंगा। पहले एक सेट लेते हैं, एक सेट खेल के देखते हैं। अच्छा शुरू में ना मैं कार्ड बांटूंगी, ठीक है ना, चार तुम्हारे चार मेरे, ठीक है। सेम कार्ड फेंकना होगा उसके ऊपर, सेम ना हो तो दूसरा कार्ड फेंकना, या सेम फेंको या फिर जोकर फेंको, ठीक है। जो ज्यादा इकट्ठे करेगा वो जीतेगा। ओके, मिक्स कर रही। ठीक है करो। अरे मैं चेक करता हूँ कहाँ से बज रहा है म्यूजिक। किसने प्लान किया आखिर?
जिसने भी किया है अच्छा किया है, मानना पड़ेगा बहुत अच्छा प्लान है। हाँ कितना अजीब है ना, म्यूजिक भी बहुत प्यारा है, ऐसा म्यूजिक इंसान को जोश दिलाता है। बहुत खतरनाक है। किस तरह से? मेरा मतलब यानी कि बस करो। ओहो जीत गई। लो फिर से। हाय आज तो मैं कुछ ज्यादा ही लकी हो गई हूँ यार, बहुत लकी। चलो चलो काट फेंको। बात कहूं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें ये गेम बिल्कुल समझ नहीं आया। डेफिनेटली। अगर समझ में नहीं आया तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बता दो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मतलब इसमें शर्मिंदगी की ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बेइज्जती महसूस मत करना। चलो ठीक है। खेलते हैं। ये लो। फिर से जीत गई। ओह ओह पहले कौन फेंक रहा है? तुम फेंकोगे। ये लो। अब मैं उठाता हूं, अब तुम देखना गेम। फेंको फेंको। ओह क्या मतलब, तुमने उठा लिया वो? हाँ उठा लिया। यकीन नहीं है मुझे, दिखाओ। पागल ना बनो। नहीं है ना यकीन तुम पे मुझे? तुम मजाक कर रही हो? नहीं दिखाओ मुझे, दिखाओ। डेफनी? क्या 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 डेफनी, क्या डेफनी? दिखाओ मुझे कार्ड। मैंने कहा कि दिखाओ मुझे, कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक कह रहे हो? अच्छा चलो देख लो। हाँ दिखाओ। तुम खुद ही देख लो ना, ये लो। ठीक है मेरी जान, तुम तो सच में विनर हो, मुबारक हो। शर्म करो शर्म। ये लो। हाय देखो ना, पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो, और न जाने एक दूसरे के करीब आए होंगे भी या नहीं, गले मिल रहे होंगे या फिर डांस कर रहे होंगे। अरे भाई इस वक्त तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही, तुमने इतनी बड़ी इमारत की लाइट ऑफ कर दी, हीटर भी नहीं चलाया, मैं जमता जा रहा हूँ और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। लगता है स्किन भी खराब हो गई। हाय वो क्रीम निकालो, वो लगा लेते हैं, चलो कम से कम कुछ तो आसरा हो जाएगा, मेरी तो कमरे में रह गई। हाँ कोरे अच्छा आइडिया है, रुको। देखो ना पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो, और न जाने एक दूसरे के करीब आए होंगे भी या नहीं। ये क्रीम देखो कितनी अच्छी है ना। ये ब्रांड तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी यही यूज करता हूँ, मैं अमीर बहुत हूँ ना। लड़की एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि तुम सब कुछ भूल गई। कोरे अफसोस है कि तुमने मुझे जाना ही नहीं अब तक। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं बगैर क्रीम के बाहर निकल नहीं निकाल सकती। लड़की और क्या क्या है तुम्हारे पास? देखो तो सही, ये क्या है, नजमी की आधी दौलत तो यही है, जान बसती है उसकी इसमें। अरे मेरी मूंगफलियां ना गिराओ, मैं खाऊंगा इसे अभी। अभी तो नहीं खा रहा, खैर। अच्छा किया लेकर। नहीं मतलब कि तुम अभी नया नया गेम सीख के मुझे कैसे हरा सकते हो, नहीं मतलब ऐसा हो ही कैसे सकता है। ठीक है तुम नहीं हारी, और कोई चीज खेले। और क्या क्या खेले?
वो खेलते हैं चोर पुलिस खेलते हैं। नहीं नहीं वो दो लोग तो नहीं खेल सकते। हाँ यार वैम्पायर खेलते हैं। नहीं नहीं वो भी नहीं। क्या खेलें फिर? हाँ मिल गया, ये सुपंजू खेलते हैं। डेफिनेटली पक्की बात है? नहीं नहीं वो भी रहने दो। हाँ वो रहने दो। ओके क्या खेलें फिर? हैंगमैन खेलते हैं। हाँ हैंगमैन खेलते हैं, वो तो उसमें तो बड़ा मजा आता है। एनिमल नेम? ओके ओके फिर ठीक है खेल लेते हैं। तुम फिर से मुझे हराओगे है ना? फिर से हराओगे ना मुझे? नहीं ये दूसरी हार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं खेलना। चलो ठीक है डेफनी फिर नहीं खेलते, मैं सो रहा हूँ। नहीं नहीं लेटना नहीं, लेटना नहीं, लेटना नहीं। हमने बात की थी ना कि लेटना नहीं है, सोना नहीं है। उमर उठो यार, उठ जाओ। चलो चलो उठो, मैंने कहा ना उठो। नहीं तुम जानबूझकर सो रहे हो ना ताकि मुझे तंग करो है ना? मैं बिल्कुल भी तंग नहीं हो रही, ये मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। उठो उठो चलो उठो। उमर तो मेरी बात नहीं सुन रहा। चलो एक काम करते हैं साथ हो जाते हैं। नहीं सोना नहीं है। वो भी ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ कर लेती हूँ, मैं ढूंढ लेती हूँ कुछ। हाँ कुछ ढूंढ लेती हूँ टाइम पास के लिए। इधर देखती हूँ यार शायद कुछ मिल जाए। हाँ देखो देखो। मोहतरम जनाब, नजमी साहब तशरीफ लाए हैं। भेज दो उसे। जी ठीक है। मोहतरम जनाब, आओ बैठो। बाबा क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों नहीं बोलो। सुदे के बारे में, पहले ही वो हमारे साथ बहुत कम रही है और अब फिर वो हमसे दूर हो गई है। अब तो वो हर बात में गुस्सा करने लगी है और मुझे लगता है कि वो हमसे दूर होती जा रही है। बाबा नहीं करें ऐसा, आपसे गुजारिश करता हूं मैं, हमारे दरमियान ना आए। आपके लाड प्यार ने उसे पहले ही बहुत बिगाड़ दिया है। मैं भी उसका कुछ लगता हूं, बिगाड़ूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। बात को समझें, आप उसे यहां रहने की इजाजत हरगिज ना दें। बाबा आपकी ये इजाजत उसे बढ़ावा दे रही है। तुमने अभी ये तो नहीं कहा कि भीख मांगता हूँ? बहुत अच्छे। कह दूंगा, अगर आप कहोगे तो ये भी कह दूंगा। लेकिन वो आपको इस्तेमाल कर रही है, वो उस घर से दूर होती जा रही है। अगर वो उस घर से दूर हो गई तो मुझे डर है कि वो खुद को तबाह ना कर ले। मुझे इस बात से डर लग रहा है बाबा। मतलब तुम्हारे साथ रहेगी तो क्या खुद को तबाह नहीं करेगी? उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो मेरे पास रहेगी तो मैं हर तरह से उसका ध्यान रखूंगा। देखो जानते हो ना मैं सुदे से कितना प्यार करता हूं, लेकिन बाप और औलाद के दरमियान नहीं आया आज तक। तो फिर जैसा तुम चाहोगे वही कर लेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बाबा। चलता हूं। बहुत गर्मी लग रही है यार। उतार दो फिर, मेरा मतलब स्वेटर उतार दो अपना। नहीं नहीं ठीक है ऐसे ही। वो खेलें क्या? ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं ना? डेफिनेटली हम क्या बच्चे हैं, जो पूछना है पूछो, मैं जवाब दूंगा। हाँ हाँ मुझे पता है जो पूछूंगी उसका जवाब दे दोगे, लेकिन मैं बस ये गेम खेलने के लिए कह रही हूँ कि गेम खेल लेते हैं टाइम पास हो जाएगा, समझे? सिर्फ एक गेम खेलने की बात कर रही हूँ। ठीक है गुस्सा मत हो तुम, आओ खेलते हैं। तो पहले मैं। वो तो पहले ही मालूम था मुझे। नहीं आई गिव अप, तुम पूछो 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 चलो पूछो। अच्छा ट्रुथ या फिर डेयर? दोनों ही नहीं है। क्या पता कि तुम ऐसा डेयर दे दो जिससे मुझे झटका लग जाए जोर का। ट्रुथ।
मुझसे कभी झूठ बोला? सोचने दो। हाँ। कौन सा झूठ? सवाल खत्म, अब मेरी बारी। चलो ठीक है डेफनी, ट्रूथ। इस क्या है, मतलब प्यार करते हो उससे? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ उसे। मतलब इस मेरी पुरानी मोहब्बत है, मेरे साथ उसका काफी वक्त गुजरा है और आज भी हम साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस्माइल और मेरी तरह? शायद इस तरह नहीं। नहीं? अच्छा तो नहीं। जाहिर सी बात है, पुराना लव है भाई आपका। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान अपने पुराने प्यार को ऐसे याद कैसे कर सकता है, ये बात ही नहीं समझ में आती। यानी अगर बातें खत्म हो जाएं तो फिर ऐसा ही होता है। कहा ना मैंने, पुरानी मोहब्बत है। हम भी पुराने लवर हैं लेकिन दोस्त नहीं बन पा रहे, ऐसा क्यों है? हम लोग तो बस उलझे रहते हैं। डेफनी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तुम क्या कहना चाहती हो? हम रिलेशनशिप में है क्या? एक वादा किया है तुमने, मतलब यकीन करते हो? डेफनी ये कितने सवाल हो गए? अच्छा अच्छा ना, ठीक है ठीक है, तुम पूछो। चलो पूछो जल्दी से। यास्मीन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बिजली की वजह से मैं अपनी टाई उतार रहा हूं। हाँ हाँ उतार दो, उतार के इजी हो जाओ। मुझे भी जैकेट उतारनी पड़ेगी, गर्मी है, अजीब वेदर हो गया है। क्या बना इस्माइल के साथ? तुम्हारा सूदे के साथ क्या बना? तुम बताओ पहले। बस अभी तक सुलह नहीं हो सकी, अभी तक इस्माइल का मूड नहीं सही कर सकी मैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, यानी अभी ताल्लुक खत्म नहीं हुआ है। नहीं खत्म होगा? क्यों खत्म होगा वैसे? हाँ ना, मतलब मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है वो कुछ दिन बाद तुमसे बात करना शुरू कर दे। लेकिन क्या? एक और मसला है। मसला? कैसा मसला? तुम? मैं? मतलब कल शाम को जो कुछ भी हुआ वो इस्माइल को तो बताना होगा ना, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी चाहिए होती है ना। हाँ ठीक कहा तुमने, बता सकती हो अगर तुम चाहो तो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। लेकिन तुम कहो तो, अगर ऐसा कुछ आगे नहीं होगा तो मैं उसको नहीं बताती। अब नहीं होगा? हाँ अब नहीं होगा। नहीं यार ऐसा नहीं है, अब आगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाले। मेरा मतलब आगे हम ऐसा क्यों करेंगे? ये कोई ड्रामे का सीजन है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या? टॉपिक बदल सकते हैं? हाँ ठीक है, टॉपिक बदलो। अरे हाँ, समर्स में क्या करोगे? मतलब तुमने टॉपिक बदल भी दिया। समर वेकेशन में अकेला क्या करूंगा, जो करता था वही करूंगा। लड़की चलो उठ जाओ वरना हम लोग जम जाएंगे, और उनकी खबर भी तो लेनी है। अरे कोरे, बाहर भी तो कितनी सर्दी है ना, अच्छा है नहीं जाएं? अरे जान कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ दिखने में कमजोर हूँ, वैसे बहुत ताकत है मुझ में, बाहुबली की तरह। ठीक कह रहे हो कोरे, चलो चलते हैं। उमर और डेफनी को गोली मारो, हम चलते हैं।
एक बात बोलूं तुम्हें, इतनी बड़ी इमारत बना ली तुमने, लेकिन तुमने एक स्टोव भी नहीं बनवाया इस रूम में। और हमारे घर पर सब कुछ है, और घर पर चॉकलेट भी तो पड़ी हुई है और कोकोनट भी। चल छोटी, चलो चलो फिर वहाँ चलते हैं ना। चलो 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 उठो, जल्दी आओ जल्दी आओ। लगता है जलजला आ गया। इस तरह तो उमर और डेफनी को भी पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे थे। अरे पहले यहाँ से तो उठो, चलो चलो चलो। अरे रुको तो सही, मेरी क्रीम, इसे तो उठा लेने दो। भी ना आ जाओ। अपने दादा के साथ सुलह करने का सोच रहे हो? तुम्हें कैसे पता मेरे दादा के बारे में? वो मेरी जान नरमीन मैडम, उन्होंने बताया बस मुझे, ऐसे ही बातों बातों के दरमियान। तो बस अब बताओ, मैं सवाल कर रही हूँ, क्या सोचा है तुमने सुलह के बारे में? नहीं, अब मैं अगर ज्यादा कुछ पूछूंगी तो कहोगे कि सवाल खत्म। हाँ अच्छा ठीक है, चलो तुम पूछो। कोई ऐसी चीज जो तुम चाहती हो कि वो ना हो, जिससे तुम परेशान होती हो, हम दोनों से रिलेटेड? सोचती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस हाथ से मुझे यहाँ तक ले आए, मतलब जो कुछ भी मैंने किया मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, मतलब मैं जैसी सूरत हाल थी उसमें यही सब कुछ सही था। अच्छा ग्रेट, अब तुम पूछो। आखिरी बार तुम कब रोए थे? जब तुम पहाड़ वाले घर पर छोड़कर गई थी। मैं भी बहुत रोई थी। मतलब तुम्हारे साथ जब से ये सब चल रहा है मैं हर रात रोती रहती हूँ। मतलब सबसे ज्यादा प्यारे लम्हे तुम्हारे लिए सबसे बुरे हैं। इंसान इतना ज्यादा दर्द लेकर भी फिर भी कैसे खुश रह लेता है ना। हमारे बीच ऐसी रुकावटें आखिर क्यों हैं? यानी कि आखिर इन रुकावटों की वजह कौन है? रुकावट तुम हो। खैर अच्छा चलो तुम पूछो, पूछो चलो। क्या लगा दी तुमने, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग फिल्म है। अरे जान बहुत अच्छी फिल्म है, तुम देखती तो जाओ, बस आगे क्या होता है। ये लड़की देखो कितनी पागल लग रही है ना। अरे नजबी हटो ना आगे से। नरमीन सुधे कहाँ है? अरे वो ऊपर अपने कमरे में है। ठीक है। हाय कोरे, लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। अगर बारूद एक साथ हैं, यकीनन कुछ होगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वॉल्यूम तो खोलो। Thank you.
यास्मीन। हाँ क्या हुआ? वो मुझे तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। हाँ तो मैं कह रहा था कि पता नहीं वो, खैर छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बोलो। नहीं छोड़ो छोड़ो। मतलब के दरअसल क्या, हम दोनों इस कमरे में अकेले बंद हैं, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए, कोई फोन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। हाँ फिर हम अपने दरमियान के मसाइल अगर यहीं खत्म कर लें तो। हाँ ये बात मैं तुमसे कहने ही वाला था। तो अब हम सेम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, सही कह रहा हूँ ना? मालूम नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम बताओ पहले। पहले तुम बताओ। तुम नहीं, तुम तुम बहुत बोर हो गया, अब नहीं खेल रहा। अच्छा ठीक है ना, पूछ रही हूँ, मुझ पर यकीन करते हो? करना चाहता हूँ। क्या मतलब? ये है जवाब? क्या बस यही है जवाब? नहीं है जवाब, हाँ या ना में जवाब दो तुम। घुमाना नहीं बात को, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। फिर मुझे कहते हैं कि मैं ठीक से नहीं खेलती। और क्या कहूँ डेफनी, मैं तुमसे मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं यकीन करना चाहता हूँ। मेरा मतलब यह है कि नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते, मतलब फंस से जाते हैं हम लोग। आखिर मसला है क्या ये? तुम मसला हो। मैं समझा नहीं। तुम मसला बनते हो। तुमने कहा कि रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये वो सब। मतलब मैं मुजरिम हूँ? हाँ हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। तुमने कहा कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। डेफनी तो बिल्कुल भी यकीन के काबिल ही नहीं है, मतलब कि एंड। और तुम मेरे होते हुए भी इधर उधर सबके करीब जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है कुछ भी। हर बार मैं कदम उठाता हूँ। बल्कि अब तो मैं ये सुन रही हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। तुम्हें यही पता नहीं है कि मैं सच बोलती भी हूँ कि नहीं बोलती। सच में डेफनी? मतलब तुम झूठ बोलती हो, मुझे इस बारे में तुम आखिर बताती क्यों नहीं हो? क्या मतलब है यार, हर बार मेरी गलती है, मैं ही सॉरी बोलूं आकर, ये क्या बात होती है यार, हर बार मैं ही मुजरिम हूं। डेफनी तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं टूट चुका हूं। खुदा के लिए यार छोड़ दो मुझे, तुम पागल हो जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। सुकून बर्बाद कर लिया है मैंने अपना, जब से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पे आई हूं सुकून बर्बाद हो गया है मेरा। छोड़ दो अब मेरा हाथ। डेफनी नहीं छोड़ दो बस, मैं कुछ भी नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती मैं कुछ भी। मेरे पास डील करने की ना हिम्मत नहीं है, ना तुम्हें यकीन दिलाने का हौसला है। जो सोचना सोचो। डेफनी मैं फाइंड करता हूँ। सोचने दो मुझे। तुम क्या छुपा रही हो ये जानना चाहता हूं, इसका पता लगाओ, मालूम चल जाएगा मुझे।